स्वामी जी, आप प्राय अपने उपदेश के अंदर ये छह द्रव्यों की बात करते हैं कि सारी सृष्टि इन छह द्रव्यों से बनी है, छह द्रव्यों से संचालित होती है, यही कुदरत का कानून है और यही कुदरत इसके के माथा चलती है। तो इन सब की जानकारी करने से आम व्यक्ति को जो जीवन जीता है उसको क्या लाभ होगा और वो कैसे अपना अच्छा जीवन इन छह तत्वों की अच्छी जानकारी आपसे लेकर के अच्छा जीवन जी सकता है, कृपया इस पर प्रकाश डालिए। धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है कि छह तत्व जो है, छह तत्वों का एक नाम है कुदरत। जड़ तत्व, चेतन तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस, ये छह तत्वों का एक नाम है कुदरत। मैं जब भी कुदरत शब्द का प्रयोग करता हूँ तो कुदरत का मतलब ये टोटल ऑफ सिक्स इटर्नल एलिमेंट्स। अभी ये छह तत्व है, वो छह तत्व से ही दुनिया बनी है और दुनिया चलती है। दुनिया की कोई भी अवस्था छह तत्वों के बिना नहीं होती है और वो जीवन में कैसे काम लगेगी वो भी मैं बताऊंगा। पहले छह तत्व कैसे काम करता है वो बताऊं। छह तत्व जो है तो छह तत्व कैसे काम, जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो आत्मा तत्व है यानी चेतन तत्व है, ये जड़ तत्व है, बाकी जो पांच इंद्रियों से अनुभव में आता है वो भी जड़ तत्व है। फिर गति सहायक यानी मोशन तत्व है, मूमेंट, मूमेंट बाहर भी है अंदर भी है, शरीर के अंदर भी ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, डाइजेस्टिंग, ये जो प्रोसेस हो रही है वो भी गति सहायक तत्व है। विचार आते हैं वो भी गति सहायक तत्व है, हाथ पांव आंखें हिलती है वो भी गति सहायक तत्व है, बाकी जो हम बैठे हैं वो स्थिति सहायक तत्व है, स्टेबिलिटी। हमारे जो ऑर्गन है वो स्थिति सहायक तत्व है, वो घूमते नहीं है। तो ये गति सहायक, स्थिति सहायक, बाहर भी हम बैठे हैं जो भी चीज स्थिर है वो स्थिति सहायक के कारण है, जो मूवमेंट करती है वो गति सहायक तत्व के कारण है। पांचवा तत्व है टाइम तत्व। कोई भी अवस्था टाइम के बिना नहीं होती है। टाइम का मतलब होता है बिगिनिंग और एंड, तो बिगिनिंग एंड का मतलब होता है टाइम तत्व। और लास्ट तत्व है स्पेस। ये पूरी प्रक्रिया स्पेस में बनती है, विदाउट स्पेस कोई एक्टिविटीज नहीं हो सकती है। स्पेस का मतलब होता है लैंड नहीं, स्पेस का मतलब होता है अवकाश। क्या बोलते हैं? अवकाश। अवकाश, ये अवकाश है तभी हम काम कर सकते हैं, हिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर स्पेस नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये छह तत्व है, तो ये छह तत्वों से दुनिया बनी है और ये छह तत्वों से ही दुनिया चलती है और सभी प्रकार की अवस्था छह तत्वों से ही बनी है और इसीलिए उसको कहते हैं कुदरती रचना। किसकी रचना? कुदरती रचना। अभी मानो के एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करती है, लक्ष्मी का कहो, साधन का कहो, जवान से कहो, सोच से कहो, बिजनेस कहो, नौकरी कहो, पढ़ाई कहो, व्यवहार कहो, जो कुछ भी करती है एक दूसरे व्यक्तियों के साथ, तो ये व्यवहार करते समय अगर हमारी दृष्टि में ये हर अवस्था कुदरती रचना के मुताबिक दिखेगी, कुदरती कानून के मुताबिक दिखेंगी, कुदरत का जो छह तत्व है इसका ही रोल है ऐसा देखेगा, तो कोई व्यक्ति हमको, हम कर्ता के रूप में नहीं देखेंगे कि ये व्यक्ति ने हमारे लिए गलत सोचा, गलत बोला, या तो गलत किया, या तो हमने उन व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार किया, गलत भाषा का प्रयोग किया या गलत सोच किया, ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि मन वचन का है कि हर अवस्था कुदरती रचना ही है। मगर हम कुदरती रचना को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, नहीं मानते हैं, इसलिए राग द्वेष होता है, इसलिए क्रोध मान माया लोभ होता है। तो ये अज्ञान का के वश, ये कुदरत के कानून का जो अज्ञान है वो अज्ञानता से ही राग द्वेष होते हैं, अज्ञानता से ही क्रोध मान माया लोभ होता है, अज्ञान से ही कर्मबंध होता है और कर्मबंध से ही जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है।
तो अज्ञान वो बिगिनिंग है, मगर किसकी किसका अज्ञान है? ये दुनिया के छह तत्व कैसे काम करते हैं और तत्व क्या है हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं, उसका सैद्धांतिक ज्ञान जब हमारे पास नहीं है वो ही हमारा अज्ञान है। तो अज्ञान से कर्मबंध होते हैं। तो इसीलिए अगर हमारी दृष्टि में ये छह तत्व का ज्ञान है और छह तत्व से ही हर अवस्था बनी हुई है ऐसा मालूम होगा, तो एक दूसरे व्यक्ति के प्रति कर्ता भाव और मालिक की भाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि शरीर का संचालक कुदरत है, शरीर को पैदा करने वाला कुदरत है और अंत करने वाला भी कुदरत है, और शरीर की हर अवस्था को बनाने वाला भी कौन है? कुदरत है। तो फिर मेरे को कोई भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय राग द्वेष कर्ता भाव मालिक की भाव करने की जरूरत नहीं है। तो ये विज्ञान इस प्रकार से आम लोगों को प्रैक्टिकल जीवन में काम में आता है। और दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात, अगर ये कुदरत का कानून जान लिया तो टेंशन नहीं होगा कल क्या होगा, क्योंकि फिक्स है। ये दुनिया किसको चलानी है? कुदरत को चलानी है। तो कल क्या करना है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, उनका सब्जेक्ट है। मैं तो सफरर हूं। क्या हूं? सफरर। मैंने जो कर्म किया है पिछले अवतार में उसका फल समय समय पे कुदरत मेरे को देती रहेंगी। तो कल क्या होने वाला है मैं नहीं सोचूंगा, तो भी कुदरत करने वाली है। तो मेरे को इसके बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सुख और दुख मिलेगा, अच्छा संजोग मिलेगा या बुरा संजोग मिलेगा, सब कुछ आज वर्तमान जीवन में कुदरती रचना के ऊपर अधीन है। और कुदरती रचना कुदरती कानून से चलती है, और कुदरत का कानून कुदरत के छह तत्वों के आधार पे काम करता है। तो कुदरत, कुदरत का कानून और कुदरती रचना, इस प्रकार से ये पूरा संसार चलता है। तो ये जानने से व्यक्ति को न राग द्वेष होता है, न कषाय होता है, न कर्म बनता है, और ना ही जन्म मरण के चक्कर होता है, न टेंशन होता है, न ही कोई मानसिक तनाव होता है, और न ही कोई ऐसा होता है कि ये मेरा है तेरा है, ये मैंने किया तुमने किया, ये कुछ भी नहीं होगा अंदर से। बाहर से व्यवहार में तो सब कुछ रहेगा, क्योंकि व्यवहार तो कुदरती रचना है, तो उसमें तो कहेंगे कि मैंने किया मेरा है, सब कुछ कहेगा। दृष्टि में विज्ञान होना चाहिए कि न मैंने किया है न मेरा है, न उन्होंने किया है न उनका है, ये दोनों की अवस्था है। पूरा पैकेज कुदरती रचना है, और कुदरती रचना का मतलब होता है ये कर्मों का फल का पैकेज कुदरत ने समाप्त करवाया। एक को भुगतान करना है और दूसरे को भुगतान करवाना है, मगर पूरा पैकेज क्या है? कुदरती रचना। तो अगर ये जानेंगे तो राग द्वेष कसाय कर्मबंध नहीं होंगे, टेंशन नहीं होगा, जिम्मेदारी नहीं होगी, और टेंशन मुक्त जीवन जी सकते हैं। और आधी व्याधि उपाधि, मानसिक दुख शारीरिक दुख और बाहर से आती हुई उपाधि, तो आधी व्याधि उपाधि में भी अगर ये विज्ञान की दृष्टि होगी, ये छह तत्वों की दृष्टि होगी, अपने आप समाधान रहेगा, विकल्प नहीं रहेगा। भाई ये व्यक्ति आई है बुरी बहुत खराब व्यक्ति है वो क्या करेंगी, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। उनके पास भी कुदरती कानून के मुताबिक ही वो बिहेव करेगा, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकता है। राम कृष्ण महावीर का पूरा जीवन भी कुदरती कानून के ऊपर आधारित था, अपनी मर्जी से वो खुद भी नहीं जी सके। राम को भी वनवास जाना पड़ा, राम की भी सीता उठा के ले गए, कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ, कृष्ण भगवान का भी दुर्योधन नहीं मानते थे, और महावीर को भी कान में खीरा लगाया। तो कहने का मतलब, कर्म सत्ता के अधीन सबका जीवन है, कर्म सत्ता के बाहर कोई है नहीं, और कर्म सत्ता कुदरत के कानून से चलती है, और कुदरत है वो छह तत्वों से बनी हुई है। ऐसे धीरे धीरे ये कुदरत, कुदरत के कानून और कुदरत की रचना जैसे जैसे दृष्टि से समझ में आएगा, वैसे वैसे आपका जीवन सहज सरल और सुगम हो जाएगा, शांत और स्थिर हो जाएगा। और जो व्यग्रता है, टेंशन है, डूअरशिप और ओनरशिप है, वो सब धीरे धीरे दृष्टि में से समाप्त होगी, व्यवहार वही का
वही रहेगा। स्वामी जी आप बताते हैं कि दृष्टि को बदलिए सृष्टि बदलेगी, ये आपका मुख्य सिद्धांत है अध्यात्म विज्ञान का। लेकिन जो अध्यात्म विज्ञान का पालन करने वाले हैं और जिन्होंने बहुत गहराई से इसको समझा है और लंबे समय से पालन कर रहे हैं, जैसे मैं भी आपकी कृपा से पालन कर रहा हूं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये सिद्धांत जानते हुए भी हम दूसरे को दोषी देख देते हैं और दूसरे के ऊपर जो है ब्लेम, आप ब्लेम और क्लेम की बात कहते हैं, हम क्लेम भी कर लेते हैं ब्लेम भी कर लेते हैं, हमको जानकारी है पर ये सारा होता क्यों है। सिद्धांत को जानते हैं दृष्टि को जानते हैं फिर भी जब समय आता है तो ये हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये बराबर है आपका प्रश्न, अच्छा है कि ऐसा क्यों होता है। देखो दृष्टि मिलने का मतलब ये नहीं है कि मन वचन काया को बदलना है। मन वचन काया तो कुदरती रचना पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। तो मन वचन काया की कोई भी अवस्था में फर्क नहीं होगा, अगर ये विज्ञान जाना है तो भी, विज्ञान का उपयोग करते तो भी, मगर फर्क कहाँ होगा। ये विज्ञान जानने से सबसे पहला बेनिफिट है हम मन वचन काया से मुक्त है, वो पहले अनुभूति करना है। क्या है? मन वचन काया से मुक्त है। क्यों मुक्त है? क्योंकि यह मन वचन काया तो वो कुदरती रचना है, ये डिजाइन भी कुदरत ने बनाई, यह मन वचन काया पंच महाभूतों से बना है वो भी कुदरत का है, और यह शरीर बनाने के बाद शरीर को मेंटेन करना है जीवित रखना है उनके लिए हवा पानी खुराक भी कुदरत देते हैं, और जीवित रखने के बाद वो कर्मों के भुगतान के संजोग भी कुदरत देते हैं, लास्ट में ब्रीद बंद भी कौन करते हैं? कुदरत करते हैं। तो जन्म से मौत तक ये मन वचन काया की हर अवस्था कुदरती रचना है, तो उसमें हमको क्या करना है और हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको टच नहीं करना है और इसको सुधारने के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं। सुधार हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो भी कुदरती कानून का हिस्सा है। क्या है? हिस्सा। अगर सुधार हो गया तो भी कुदरती कानून है, नहीं हुआ तो भी कुदरती रचना है। तो कहने का मतलब हमारा फोकस जहां हमारी सत्ता नहीं है वहाँ फोकस डालने की दृष्टि की जरूरत नहीं है। फोकस कहाँ डालो? जहाँ हमारे पास फ्रीडम है। फ्रीडम कहाँ है? विजन में है, दृष्टि में है। तो दृष्टि को साइंटिफिक बनाओगे तो मन वचन काया के हर संजोग आपको कुदरती रचना के रूप में दिखेंगे। सफलता निष्फलता वो तो बौद्धिक आंक है। क्या है? बौद्धिक आंक है, वो पाप और पुण्य का फल है। मैं सफल हुआ तो मतलब मैं बहुत होशियार हूं, अगर मैं विफल हुआ तो मैं बहुत कमजोर हूं, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। ये कर्मों का खेल है, मगर मैं जो सफल होता है जो निष्फल होता है जो कुदरती रचना के रूप में काम कर रहा है उससे सर्वथा मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, बस ये मेरी दृष्टि होनी चाहिए। तो बाद में मन वचन का है कि कोई भी अवस्था की असर आपको नहीं होगी, मगर आप इसे जुड़ जाते हैं फिर कहते हैं मेरे को इफेक्ट होती होगी क्योंकि आप जुड़ गए ना। तो ज्ञानी पुरुष एक ही बात करता है
प्रकृति का एक भी स्वभाव मेरे में नहीं है और मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं। गुणे गुण के हिसाब से दोनों क्या है, अलग 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 है और अलग ही रहेंगे। तो इसीलिए अध्यात्म मार्ग के अंदर ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने जीवन के अंदर कैसे ये दृष्टि को, हमारी दृष्टि को साइंटिफिक बना के मन वचन काया से कैसे मुक्त रह सके, मन वचन काया की अनुभूति से कैसे मुक्त रह सके, मन वचन काया की असरों से कैसे मुक्त रह सके, यही हमारी दृष्टि होनी चाहिए। क्योंकि वास्तव में हम मन वचन काया से मुक्त ही है। क्या है? मुक्त ही है, सिर्फ अनुभव बाकी है। तो अनुभव के लिए दृष्टि चाहिए। वास्तव में तो जड़ और चेतन दोनों क्या है, अलग ही है और अलग ही रहेंगे, मगर भ्रांति से एक हो गए। भ्रांति का मतलब होता है अज्ञान से जड़ और चेतन का वेल्डिंग हो गया, रॉन्ग बिलीफ से। कैसे? वास्तव में एक नहीं हो सकता है, बाय रियली स्पीकिंग एक नहीं हो सकता है जड़ चेतन, मगर भ्रांति का वेल्डिंग लग गया। क्या लग गया? वेल्डिंग। एक यहाँ जड़ है, यहाँ चेतन है, और बीच में वेल्डिंग लग गया भ्रांति का। मैं शरीर हूं, है आत्मा, मगर बोलता क्या है, मैं शरीर हूं, तो वेल्डिंग हो गया। मैंने ऐसा किया, वेल्डिंग हो गया। मैंने ऐसा भुगतान किया, वेल्डिंग हो गया। ये मेरा है, वेल्डिंग हो गया। यानी जो मैं नहीं हूं, नहीं करता हूं, न मैं मालिक हूं, फिर भी अज्ञानता के वश वेल्डिंग हो गया। तो दोनों अलग होते हुए भी एक की भ्रांति हो गई, और ये दुनिया भ्रांति रूपी अज्ञान से क्या हो गया, खड़ा हो गया। और ये कर्म भी भ्रांति से बनते हैं, कर्म विज्ञान से नहीं बनते हैं, कर्म अज्ञान से बनते हैं। अज्ञान का मतलब होता है भ्रांति, और भ्रांति का मतलब होता है रॉन्ग बिलीफ। तो रॉन्ग बिलीफ से ऐसा बनता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी दृष्टि में परिवर्तन आएगा, और आपकी दृष्टि जितनी साइंटिफिक होगी, इतना आपका जीवन एकदम सरल होगा, आसान होगा, सहज होगा, और बोझ मुक्त, टेंशन मुक्त होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये दृष्टि की बात और दृष्टि की वैल्यू क्या है वो समझ में आएगा धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोतागण। हम बहुत भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं पुरुष, हमारा बहुत बड़ा पुण्योदय है कि ऐसे महान आत्मज्ञानी, आत्मविज्ञानी, जो विज्ञान की बात करते हैं, आध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं, वो हमारे साथ है। तो हम भाइयों और बहनों, हम जो है अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी, आपने अभी सारी दृष्टि की बात कही, दृष्टि भी प्राप्त कर ली आपने, और उस पर जो हमने चिंतन मनन और उस दृष्टि का पुरुषार्थ भी चालू कर दिया, तो आप बताइए कि हम जल्दी से जल्दी मुक्त कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आध्यात्म विज्ञान का अल्टीमेट जो एम है वो मुक्ति का है। तो हम जो है इस दृष्टि को पा करके, दृष्टि को अप्लाई करके और दृष्टि को जीवन में उतार करके मुक्ति की ओर जल्दी कैसे प्रयाण कर सकते हैं? क्योंकि मनुष्य जीवन से ही मुक्ति है, और दूसरा तो इतना डेवलप्ड नहीं होता है जीव। तो आप वो उपक्रम बताइए कि आपकी दृष्टि पाकर मुक्ति कितनी फास्ट स्पीड से हम चलें, ये बताइए थोड़ा। सबसे पहली बात यह है कि मुक्ति कैसे मिलती है। मुक्ति का मतलब होता है आत्मा तो मुक्त है, आत्मा को मुक्त नहीं करना है। हम अज्ञानता से बंधे हुए हैं तो अज्ञानता से मुक्ति पाना है, शरीर से मुक्ति नहीं पाना है। शरीर तो कुदरती रचना है, और कुदरत ही उसका क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर है। तो शरीर से मुक्ति नहीं पाना है, शरीर से तो मुक्ति कुदरत दिलाएंगी आपको, समय पे दिलाएगी। प्रश्न अज्ञान से मुक्ति पाना है, क्योंकि शरीर और आत्मा, जड़ और चेतन के बीच जो अज्ञानता का वेल्डिंग हो गया है, वो वेल्डिंग को क्या करना है, तोड़ना है। तो दोनों तो अलग है ही। तो जैसे जैसे वेल्डिंग तोड़ते रहोगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्पिरिचुअल साइंस, जैसे जैसे वेल्डिंग तोड़ते रहोगे, वैसे वैसे आपको मुक्तता की अनुभूति ज़्यादा होगी, अलग रहने की प्रैक्टिस हो जाएगी, और धीरे धीरे मन वचन काया
और मन वचन का है कि हर अवस्था के आप इफेक्ट लेस बन जाओगे। तो इसीलिए बहुत बड़ी बात है कि मन वचन काया और आत्मा दोनों अलग है और अलग ही रहेंगे, मगर ये भ्रांति का वेल्डिंग है वो ही तोड़ना है, प्रकृति को बदलना नहीं है, सुधारना नहीं है। ये सब मेहनत है, वो व्यवहार चलाने के लिए है, और वो भ्रांति की मेहनत है, क्या है, वास्तविक मेहनत नहीं है। तो इसीलिए आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ऐसी मेहनत की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जो दृष्टि है, जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। तो कहते हम परमात्मा हैं और दूसरे में परमात्मा देखेंगे तो मन वचन काया की कोई भी गलती गलती के रूप में नहीं दिखेगी, क्योंकि मालूम है कि मैं भी परमात्मा हूँ, सामने वाले अंदर के परमात्मा है, ये दोनों की प्रकृति है, वो तो कुदरती रचना है, दोनों की प्रकृति की अवस्था भी क्या है, कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना इसमें किसी का चलता नहीं है, और वो कुदरती रचना क्यों है, क्योंकि पिछले अवतार के कर्मों का फल है, तो फल में तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो फल वाला भाग है, मैकेनिकल भाग है, कुदरती रचना का भाग है, उससे हम मुक्त रहेंगे तो हम कुदरती रचना का भाग नहीं है, हम शाश्वत है, हम तत्व है। ये शरीर तत्व नहीं है, शरीर अवस्था है, और तत्व क्या है, जड़, और शरीर जड़ तत्व की अवस्था है। अवस्था टेम्पररी होती है और तत्व परमानेंट होता है, ऐसे आत्मा तत्व है वो परमानेंट है, मगर अभी शरीर और आत्मा के बीच अज्ञान है, वहां तक जन्म मरण का चक्कर चालू रहेगा। अज्ञान मिट जाएगा फिर शरीर और आत्मा दोनों तो रहेगा लास्ट बर्थ में, मगर अज्ञान नहीं है तो नए कर्म नहीं बनेंगे, पुराने कर्म मन वचन काया से भुगतान हो जाएगा, शरीर का अंत होगा और आत्मा कहाँ जाएगा, मोक्ष में। क्योंकि अज्ञान नहीं है तो कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो जन्म मरण भी नहीं है। तो इसीलिए अज्ञान को मिटाना बहुत इम्पोर्टेंट है, और अज्ञान को मिटाना यही मूल दृष्टि का पुरुषार्थ है।